दोस्तों, क्या हालचाल है आप लोगों के। तो स्वागत करता हूं आप लोग का अपने और एक नई वीडियो पे और अपने चैनल पे। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है ना, अभी जो है पीछे ही एक सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया था, मतलब मैसेज किया, कमेंट किया था। तो उन्होंने कहा था कि जो अपनी गाड़ी है, ये अल्ट्रोज जो गाड़ी है ना, इसमें जो है फर्स्ट गियर में जो गाड़ी काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट करती है, तो वो क्यों कर रही है और किस वजह से कर रही है वो सब कुछ हम देखेंगे। आपको रीज़न भी बताऊँगा और इसका सॉल्यूशन भी मैं ज़रूर बताऊँगा। तो आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखना है। और अगर स्पेशली आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी जो इस चैनल में है, काफ़ी ज़्यादा इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वीडियो मैंने डाली हुई है कि क्यों इतना वाइब्रेट करती है, कैसा है, क्यों है, क्या है, दिक्कत क्या है और इसका सॉल्यूशन क्या है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो जाके आप एक बार मेरे चैनल को भी विजिट कर सकते हैं और पूरी जो वीडियोस है उनको आप देख सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है बस यही रहने वाली है कि फर्स्ट गियर में जो है ना, काफ़ी बंदों को दिक्कत आती है कि इसको उठाते बार जब भी हम पिक करते हैं इस गाड़ी को फर्स्ट गियर में, तो जो है काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट करती है। तो सबसे पहले आप लोग को रीज़न मैं बताता हूँ कि ये वाइब्रेट क्यों करती है। इसका जो पहला रीज़न है ना, वो हो सकता है इसका जो थ्री सिलेंडर है ना, वो इस मुकाबले नहीं है कि भाई हाँ वो फर्स्ट गियर को अच्छे तरीके से पिक करे ताकि गाड़ी वाइब्रेट ना हो। अगर इसमें चार सिलेंडर दिए होते तो इतना ज़्यादा वाइब्रेट नहीं करती। पर अब आप लोग को इसमें एक और फीचर दिया जाता है, पुल अवे असिस्ट का जो फीचर है ना, इसमें दिया जाता है, जिस वजह से आप लोग को इसमें ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है। पुल अवे असिस्ट का आप लोग को मैंने उसका भी एक वीडियो डेडिकेटेड बनाया हुआ है कि वो किस तरीके से काम करता है और वो क्या चीज़ है, आप लोग वो भी जाके देख सकते हैं। मैंने अच्छे तरीके से सब कुछ आप लोग को समझाया हुआ है। तो चलिए ज़्यादा इस वीडियो को लंबी नहीं करेंगे हम। तो सबसे पहला जो रीज़न आप लोग को मैंने बता दिया कि तीन सिलेंडर की वजह से जो है ये वाइब्रेट करती है, और आप लोग का जो ड्राइविंग तरीका है, आप लोग जिस तरीके से चलाते हैं ना इस गाड़ी को, वो भी इसमें काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है। तो वो क्यों रखता है, जैसे अगर आप लोग पांच बंदे इस गाड़ी में अगर पांच के साथ आप चला रहे हैं या फिर आप डायरेक्ट स्लोप पे चला रहे होंगे ना, तो आप लोग जो है हाफ क्लच पे इस गाड़ी को चलाते होंगे, जिस वजह से आप लोग को जो है महसूस हो रहा है कि आपकी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट करती है। अगर आप लोग सिंगल भी चला रहे हैं, अगर आप लोग को तब भी ऐसा लग रहा है कि वाइब्रेट कर रही है गाड़ी काफ़ी ज़्यादा, जो डैशबोर्ड है वो इसी तरीके से जो है वाइब्रेट करता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसा ना हो, तो जो मैं आप लोग को बताऊँगा एक बार उस चीज़ को फॉलो करना, उसके बाद जो है आप लोग चेक करना और मुझे जाके कमेंट करना कि हाँ भाई तूने जो है काफ़ी अच्छी बात बताई, अब जो है हमारे से गाड़ी वाइब्रेट नहीं हो रही है। मैं आप लोग को अंदर जाके दिखाऊंगा और साथ में चलाकर भी दिखाऊंगा कि वो वाइब्रेट कैसे कर रही है और वाइब्रेट कैसे नहीं करेगी, वो भी हम सब कुछ देखेंगे। तो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी होता है, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, आप लोग को पता है। तो वो सॉल्यूशन आप लोग को मैं बताऊंगा यहाँ पर अपने इस गाड़ी से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करेंगे हम इस वीडियो को। और सबसे पहले बात है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे मस्त मस्त कंटेंट यहाँ पे आप लोग के लिए लाता रहता हूँ मैं। तो चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं, आप लोग को मैं चला के दिखाता हूँ कि वो वाइब्रेट कैसे कर रही है और इसका रीज़न क्या है। वहाँ पे अंदर ही बैठ के मैं आपको बताऊँगा और क्यों वाइब्रेट ना करे, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम गाड़ी के अंदर चलते हैं और स्टेप बाय स्टेप आप लोग को मैं दिखाता हूँ। तो अभी जो है हम गाड़ी के अंदर आ चुके हैं। तो सबसे पहले गाड़ी को हम स्टार्ट करेंगे, तो विंडो सारे डाउन कर देते, काफ़ी ज़्यादा गर्मी हुई है अंदर। तो देख सकते हैं अभी जो है अपनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई है। अभी जो इस टाइम पे सामने का जो रोड आप लोग देख पा रहे होंगे ना, वो बिल्कुल बिल्कुल सीधा ही है। तो वहाँ आप लोग यहाँ हम टेस्ट नहीं करेंगे, तो इसके लिए हमारे को जोड़ा थोड़ा स्लोप वाले जगह में जाना पड़ेगा। उसके लिए हम जो है यहीं से आगे एक रोड है वहाँ पे ले जाएंगे इसको, वहाँ मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि ये गाड़ी किस तरीके का जो है परफॉर्म करती है वहाँ पे। तो चलिए एक बार बैक कर लेते हैं, गाड़ी को मोड़ लेते हैं हम। तो सारी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो होता है, और आप लोग का जो है चलाने का जो तरीका है ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा इसमें वो रखता है। तो चलिए यहाँ से जो है आगे आप लोग जो है रोड देख रहे होंगे कि किस तरीके का जो रोड है, तो चलिए एक बार जो है आगे पूरा चलते हैं हम। सबसे पहले रोड देखिए आप किस तरीके से जो है यहाँ पे रोड है हमारे, यहाँ से नीचे हम जाएंगे एक बार। और यहाँ काफ़ी ज़्यादा स्लोप वाला एरिया है, अभी नीचे के तो नीचे नीचे ही जाना है हमने, तो गाड़ी इतना ज़्यादा वाइब्रेट नहीं करेगी इस टाइम पर। तो एक बार हम वहाँ आगे से गाड़ी को मोड़ के आते हैं, उसके बाद जो है इसी रोड पर आप लोग को मैं करके दिखाऊँगा कि अगर वाइब्रेट हो रही है तो क्यों हो रही है, और वाइब्रेट नहीं होने के लिए किस तरीके से हमारे को गाड़ी को पिक करना पड़ेगा। ड्राइवर सीट बेल्ट, तो सीट बेल्ट नहीं लगाया है क्योंकि हमारे हमें जो है ना काफ़ी बार उतरना पड़ता है गाड़ी से बाहर, तो उस तरफ ध्यान मत देना, तो सॉरी बोल देता हूँ आप लोग को अभी मैं। तो चलिए सीट बेल्ट भी अभी मैं लगा ही देता हूँ, फिर बाद में आप लोग बोलोगे कि पहले सीट बेल्ट लगा करके। तो यहाँ पर भी जो है ना, हमने अपनी जो है पहले की वीडियो भी यहाँ पर शूट की हुई है। तो चलिए यहाँ से जो है हम गाड़ी को इस टाइम पर मोड़ देते हैं, यहाँ हम गाड़ी को मोड़ेंगे, फिर उसके बाद आप लोग को मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से जो है ये गाड़ी परफॉर्म करती है। तो चलिए आगे से एक बार पूरा मोड़ देते हैं इसको। अब जो है यहाँ से डायरेक्ट ऊपर स्लोप है, आप लोग वहाँ से साइड रोड आप लोग देख पा रहे होंगे, आगे जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जो है इस टाइम पे, यहाँ आप देखिए आप
कितना ज्यादा गाड़ी जो है बिल्कुल इस टाइम पे यूं टेढ़ी खड़ी हुई है, बिल्कुल स्लोप के ऊपर खड़ी हुई है। अब आप लोगों को मैं दिखाता हूँ गाड़ी कैसे वाइब्रेट करती है। गाड़ी वाइब्रेट करेगी जब आप हाफ क्लच पे इस गाड़ी को उठाने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं मैंने हाफ क्लच में रखा हुआ है। यहाँ एक बार आरपीएम मीटर के पास आप लोग को यहाँ पे फोकस करना चाहता हूँ मैं। यहाँ देख सकते हैं जैसे ही हाफ क्लच को मैं छोड़ूंगा तो देख सकते हैं अभी जो आरपीएम मीटर है ना ये कितना ज्यादा ऊपर चला गया है। तो अब जो है मैं बिना एक्सीलेटर के इसको चलाने की कोशिश करूंगा तो आप लोग देख पा रहे होंगे गाड़ी कितना ज्यादा वाइब्रेट कर रही है इस टाइम पे। ये आप देख रहे हैं आवाज़ से भी आप लोग सुन पा रहे होंगे किस तरीके से जो है वाइब्रेट कर रही है। तो गियर लीवर आप लोग देख रहे हैं, गियर लीवर के पास भी आप लोग को दिखाऊंगा मैं। गियर लीवर भी काफ़ी ज़्यादा जो है हिल रहा है इस टाइम, देख सकते हैं आप लोग। ये देख सकते हैं किस तरीके से जो है वाइब्रेट कर रही है। तो ये होता है जब आप हाफ क्लच में जो है गाड़ी को चलाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए ये आप लोग को रीज़न बता दिया। अब जो है ये ना हो, ऐसा वाइब्रेट ना करे, उसके लिए क्या करना है आपने। तो सबसे पहला स्टेप आप लोग को मैं बताता हूँ। जैसे ही आप हाफ क्लच में गाड़ी को लेके आते हो ना, ठीक है, हाफ क्लच ये मैंने रख दिया यहाँ पे, देख सकते हैं गाड़ी की साउंड इस टाइम पे बिल्कुल बदल गई है। वैसे ही आप लोग को डायरेक्ट जो है एक्सीलेटर देना है। आप लोग देखेंगे अभी जैसे ये यहाँ पे मैं एक्सीलेटर दूंगा और गाड़ी जो है बिना वाइब्रेट के आगे बढ़ेगी, तो देख रहे होंगे आप लोग। तो ये है मैंने दे दिया इसको और गाड़ी जो है बिल्कुल भी वाइब्रेट नहीं कर रही है। देख रहे होंगे आप लोग गाड़ी जो है बिल्कुल भी जो है वाइब्रेट नहीं किया। तो ये एक रीज़न था आप लोगों को मैंने बता दिया। अगर आप हाफ क्लच में इस गाड़ी को उठाते हो ना तो आपकी गाड़ी जरूर वाइब्रेट करेगी, क्योंकि थ्री सिलेंडर इंजन इसमें है, आप लोग इतना तो समझ ही सकते हैं। देख सकते हैं अभी जो है मैं बिना एक्सीलेटर के इसको चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जो गाड़ी है अपने आपको किस तरीके से आगे खींच रही है, तो इसको काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करना पड़ रहा है। और देखिए किस तरीके से जो है गाड़ी वाइब्रेट भी कर रही है, आप लोग आवाज़ से अंदाज़ा लगा पा रहे होंगे इसको। तो चलिए यहाँ आगे भी एक स्टीप स्लोप है, आगे यहाँ पर भी आप लोग को मैं एक बार करके दिखाता हूँ। तो अभी जो है यहाँ पर सीधा आ गया रोड, तो ये आगे जो आप लोग को मोड़ दिखाई दे रहा है यहाँ से आप लोग को दोबारा से मैं चेक करवाता हूँ कि किस तरीके से जो है आप लोग अगर यहाँ पे फंस जाते हो ना, तो देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग स्लोप पे खड़े हो चुके हैं। एक बार जो है हाफ क्लच में मैं आप लोग को दिखाऊंगा, एक बार दोबारा से आरपीएम मीटर यहाँ पे दिखाऊंगा, आप दिखाना चाहता हूँ कि हाफ क्लच में कहाँ आ जाता है। देख सकते हैं हाफ क्लच लेके आ गया हूँ मैं और देख सकते हैं गाड़ी काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट करने लगी है। तो आप लोग आवाज़ भी देख पा रहे होंगे, देखो किस तरीके का जो है ये आवाज़ निकाल रही है, देख सकते हैं। ये देखिए आप लोग डैशबोर्ड देखिए किस तरीके से यहाँ पे जो है डैशबोर्ड कहाँ पर है, आप लोग को अगर दिख रहा होगा तो ये होता है। देख रहे होंगे आप लोगों को मैंने दिखा दिया कि निकल चुका है वहाँ से, जो है धूल भी काफ़ी ज़्यादा उठा तो व्हील स्पिन भी गाड़ी ने मारा है। तो चलिए अब जो है बिना वाइब्रेशन के हम लोग इसको उठा के देखते हैं। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले जो है हाफ क्लच पे गाड़ी को लेके आना है। हाफ क्लच का जो आरपीएम मीटर जैसे ही ऊपर चढ़ेगा वैसे ही आप लोग को जो है एक्सीलेटर दबा देना है इस तरीके से। देख पा रहे होंगे अब जो है गाड़ी बिल्कुल भी नहीं कांपी है और गाड़ी बिल्कुल अच्छे और बिल्कुल मज़े से जो है गाड़ी आगे बढ़ चुकी है अपनी। तो चलिए अब गाड़ी को आगे खड़ा कर देते हैं। आप लोग को मैंने दिखा दिया और खड़ा करने के बाद आप लोग को मैं बोलता हूँ कि क्या इसका जो था इलाज भी आप लोग को मैंने बता दिया, सॉल्यूशन दे दिया आप लोग को और प्रॉब्लम भी आप लोग को मैंने बता दी कि क्यों ऐसा हो रहा था। तो चलिए यहाँ पर अब खड़ी कर देते हैं और बाहर निकल के जो है अब हम इस वीडियो को एंड करते हैं। तो आप लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से जो है हमारी गाड़ी ने परफॉर्म किया स्लोप पे और वाइब्रेशन भी हुई है, काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन हो रही थी क्योंकि अगर आप हाफ क्लच में इस गाड़ी को उठाते हैं ना थ्री सिलेंडर की वजह से काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट करती है। तो इस तरीके से नहीं करना है आप लोगों ने, क्योंकि हो सकता है आपका जो है अंदर थोड़े स्क्रूज इसके डीले हो जाए इस तरीके से वाइब्रेट होने से। तो ऐसा नहीं करना, जैसे ही अगर आप लोग जैसे हाफ क्लच पर गाड़ी को लेकर आते हो ना वैसे ही आप लोग को जो है एक्सीलेटर ज़्यादा दबाना है ताकि आपकी गाड़ी वाइब्रेट ना करे। अगर आप लोग की गाड़ी में ज़्यादा पैसेंजर बैठे हुए हैं, चार पाँच बैठे हुए फुल आदमी एकदम हट्टे कट्टे बैठे हुए, तब तो आपको जो है हार्ड एक्सीलेटर देना ही पड़ेगा ताकि आपकी गाड़ी वाइब्रेट ना करे। और हाफ क्लच में ज़्यादातर गाड़ी को नहीं चलाना चाहिए, अगर आप अकेले होते हो तब तो आप लोग चला भी सकते हैं, अदरवाइज इस तरीके का जो है ड्राइविंग नहीं करना चाहिए। तो आप लोग को पता लग गया होगा कि गाड़ी क्यों वाइब्रेट करती है। तो अगर आप लोग चाहते हैं किसी अपने टॉपिक पे या फिर अपने डिमांड पे वीडियो चाहते हैं तो आप लोग जो है जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पर नए तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर देना, जब भी मैं वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो ठीक है, फिर मिलूंगा मैं ऐसे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो पे। टिल दैट टाइम दिस इज मी साइनिंग ऑफ। जय हिंद।